जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ 100% सिलेक्शन होगा अगर ये स्ट्रैटेजी ईमानदारी से फॉलो कर लोगे। स्ट्रैटेजी सही बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा तुम्हारा, एसएससी को 4 साल दिए हैं, तो बीइंग एन एस्पिरेंट आई कैन रिलेट टू यू, तो मैं अच्छा बताऊंगा तुमको। क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है, मेरा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में फाइनल सिलेक्शन हुआ है इन एसएससी सीपीओ 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं और मेरा फाइनल सिलेक्शन सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ में हुआ है, और मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स जो क्लियर करे हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और मैं फाइनल सिलेक्शन एसएससी के 3 मेजर पेपर में कैसे ले पाया और मैंने कैसे इतने एडिशनल एग्ज़ाम्स क्लियर करे, ये इसीलिए मैंने क्लियर कर पाया कि मेरी स्ट्रैटेजी ठीक थी, मैं सही स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। बहुत सारे बंदे पढ़ते रहते हैं वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत नहीं करोगे तो फिर भाई कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ते ही रह जाओगे, फाइनल सिलेक्शन बहुत लेट होगा। तो मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर दिया था, मेरा मैथ में 15 out of 15 थे, मेरे पास एडमिट कार्ड पड़ा होगा, मेरे पे एग्ज़ाम का कोई प्रूफ नहीं है, मतलब मार्क्स का कोई प्रूफ नहीं है। उस टाइम पे मैंने कलेक्ट नहीं करता था, वो तो मैंने बहुत टाइम बाद मैंने अपने मार्क्स कलेक्ट करने स्टार्ट करे, लेकिन कोई मांगेगा प्रूफ के तौर पर मैं तो कम्युनिटी में अपना एडमिट कार्ड की फ़ोटो डाल दूंगा। मेरे मैथ में 15 out of 15 थे और रीजनिंग में मेरे 24 थे आउट ऑफ 25, और कंप्यूटर में मेरे 4-5 नंबर थे। लेकिन अभी मैंने उस टाइम में मैंने कंप्यूटर इतनी पढ़ी नहीं थी, लेकिन अभी मैंने कंप्यूटर पढ़ के दी तो मेरे दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल में कंप्यूटर में 8.5 नंबर है, उसका मेरे पास प्रूफ भी है, मार्कशीट है मेरे पास। और जीके में मेरे 17 ही नंबर थे, जीके मैंने पढ़ी नहीं थी इतनी क्योंकि मेरा मन नहीं करता था जीके पढ़ने का, मैं ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग ही पढ़ता था, तो उसमें मैंने 40 में से 39 ले ली और बाकी में मेरा ये था, ओवर स्कोर मेरा 70+ गया था। हालाँकि अगर मैं थोड़ा करता ना, मतलब मेरा फिज़िकल रह गया था किसी कारणवश, 20-30 जून का मेरा फिज़िकल था, तो मैं ना उसमें बाहर हो गया था, उसमें फिज़िकल में बाहर हो गया था क्योंकि आंधी चल रही थी। तो चलो ठीक की चीज़ है, मैं बस बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी सही बताऊँगा, टाइम वेस्ट नहीं करवाऊँगा तुम्हारा, एसएससी को 4 साल दिए हैं, तो बीइंग एन एस्पिरेंट आई कैन रिलेट टू यू, तो मैं अच्छा बताऊँगा तुमको। तो स्टार्ट करते हैं मैथ के लिए। मैथ में क्या करना है, आपको बेसिक पढ़ना है, आपने अगर बेसिक कहीं से पढ़ रखा है तो उसको अच्छे से रिवाइज करो, नहीं पढ़ रखा तो रोजगार विद अंकित करके चैनल है, वो परिणाम बैच चला रहे हैं, उसमें अपना बेसिक वहाँ से कंप्लीट करना। दूसरी चीज़, बेसिक कंप्लीट करने के बाद आपको बुक्स करनी है, बुक्स मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे कि मैंने सीपीओ में भी सजेस्ट करी थी कि मैं किरण यूज़ करी थी प्रीवियस ईयर के लिए, तो इसमें भी आपको किरण यूज़ करनी है, लेकिन किरण ने ना अपनी एक बुक निकाली है अलग से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो आपके लिए बेनिफिट हो गया, आपको कांस्टेबल के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के नहीं करने, सारे सेट्स उसमें डले हुए हैं। तो इसमें क्या, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की किरण करनी है, इनकी हिंदी में भी आते हैं इंग्लिश में भी आते हैं, फोटो आपको आपके इस पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें क्या, किरण में 2008 से 2022 तक के क्वेश्चन है, आपको सारे नहीं करने, 2020 से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के करने हैं, जो 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हुए वो करने हैं, और 2022 में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यू के जो पेपर हुए वो करने हैं। तो 2008 से 22 नहीं करने, इसमें 8, 9, 10, 12, 14 और 17 जो 2017 तक के वो नहीं करने, 2020 से 22 वाले करने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, जो ये इसका बुक करने का तरीका ये है कि आपको ना टिक लगाते जाने हैं, जो क्वेश्चन हो गए आसानी से ठीक है वो हो गए, वो आते हैं आपको क्योंकि आपने बेसिक पढ़ रखा है, लेकिन जिसमें अटक रहे उसमें टिक लगाते जाना, ताकि पेपर से पहले वो टिक वाले रिवाइज कर लो, ठीक है। और उसके बाद है कि जब आप बेसिक पढ़ोगे तो फार्मूला का पेजेस बना लेना, ताकि पेपर से पहले वो थोड़े बहुत फार्मूलाज कॉन्सेप्ट ना रिवाइज कर लो, विजुअल्स अच्छे आते हैं पेपर में, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फार्मूला के पेजेस कैसे बताने हैं बनाने हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में है, जाके देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी, फार्मूला के पेजेस उसी के अकॉर्डिंग बनाना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको उससे। वही है, बेसिक पढ़ लिया, जिसने नहीं पढ़ा रोजगार विद अंकित से पढ़ लो, बुक कर ली किरण की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक कर ली, ठीक है, वो भी 2020 के बाद वाले, और फॉर्मूला के पेजेस बनाने हैं टिक लगा के बना लिया, और मॉक सॉल्व करना है, मॉक में जो क्वेश्चन आएंगे वो लिखते जाना है, मॉक कैसे सॉल्व करना है, कहाँ कब सॉल्व करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो हो गया रीजनिंग के लिए, अगेन अब रीजनिंग क्या है, 25 नंबर की है रीजनिंग के लिए, जिसने बेसिक कवर कर लिया उसको रिवाइज कर लेना, जिसने बेसिक कवर नहीं करा, अगेन रोजगार विद अंकित चैनल है, प्लेलिस्ट है परिणाम बैच की, वहाँ से रीजनिंग कवर कर लेना, प्रॉपर नोट्स बनाना, उनको रिवाइज करना, और जो फॉर्मूला दिखे जो कॉन्सेप्ट दिखे उसको लिखते जाना, इन शॉर्ट जैसे मैथ में फॉर्मूला का पेज बनाया था इसमें भी फॉर्मूला का पेज बनाना। कैसे बनाना है मैंने अपने रीजनिंग का भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वो देख लेना जाके। अब वो दो रीजनिंग में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होते, तो इसलिए ना मैंने भी उसमें ज़्यादा फॉर्मूले लिख नहीं रखे, आपका मन हो तो वो देख लेना, लेकिन मैथ का ज़रूर देखने वो फॉर्मूले के पेजेस, आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि कैसे बनाने हैं।
ठीक है, बेसिक कर लिया आपने रोजगार विद अंकित चैनल से। बुक वही करनी है अगेन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की करनी है, किरण की। आपको चैन ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ये फोटो, ठीक है। बुक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसमें भी 2020 और 2022 के करने हैं, पुराने नहीं करने, कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल किरण की बुक में भी। और जैसे मैंने ये लिख रखी है, ये है रीजनिंग, ए मैथ की है, ये उसकी जीके की है, और इसकी रीजनिंग की भी यही रखी है। तो मैंने अपने एसएससी की प्रिपरेशन में ये पढ़ा था, आप ये मत पढ़ना, क्योंकि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेजर टारगेट करना है, तो किरण ने अपनी अलग से बुक निकाल रखी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, वो आपके लिए बेनिफिट है, तो वो करना। तो रीजनिंग में बेसिक हो गया रोजगार विद अंकित से, बुक होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल किरण की 2022 के बाद से। फॉर्मूला के पेजेस आप बना ही लोगे जैसे कि मैंने बताया, उस तरीके से बना लेना। और वो रीजनिंग में भी वही है कि पढ़ने का तरीका है कि टिक लगा लेना, जो क्वेश्चंस में अटक रहे हो टिक लगा लेना, और पेपर से पहले वो रिवाइज कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको उससे। और बाकी मॉक से रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है, इतना कुछ है नहीं यार रीजनिंग में, बंदा पढ़ लेता है रीजनिंग में, और टाइम भी ज़्यादा मिलता है कॉन्स्टेबल के पेपर में, तो रीजनिंग हो जाती है। अब बच्चा मैथ होगी, रीजनिंग हो गया, बच्चा कंप्यूटर, कंप्यूटर में अगर आपने बेसिक्स कहीं किसी टीचर से कवर कर रखा है, वेल एंड गुड है, अच्छे से रिवाइज करो उसको। अगर नहीं कर रखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आरबीई रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है, नाम आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कंप्यूटर का ना 2.0 करके प्लेलिस्ट है, आप वो कवर करना। रोजगार विद अंकित करके जो मैं आपको बता रहा हूँ मैथ और रीजनिंग में, वो कंप्यूटर में मैं नहीं बता रही, क्योंकि मैंने पर्सनली वो देखी है, मेरे को उतना बेनिफिट नहीं लगाया, उतना मेरे को समझ नहीं आया। सबको अपना अपना तरीका होता है समझने का, किसी टीचर को किसी का समझ आता है, किसी टीचर को किसी का नहीं। तो मेरे को जिनका समझ आया मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा, आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से कंप्यूटर का बेसिक्स कवर करो। और फिर बुक्स की बात करी, तो बुक्स में आपको क्या करना है, वही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, वो तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किरण की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2022 और 2020, 2022 में जो हेड कांस्टेबल के पेपर हुए, 2020 में जो कांस्टेबल के हुए, उस बुक से आपको वो कवर करना है पहली चीज। और फिर दूसरी चीज क्या करनी है आपको, लूसेंट जो आपने करी है ना, लूसेंट से आप जीके के लिए लूसेंट खरीदोगे, तो उसमें लास्ट सेक्शन में कंप्यूटर का भी दे रखा है, जिसको हिंदी में खरीद पढ़नी है हिंदी में खरीद लेना, इंग्लिश में पढ़नी है इंग्लिश में खरीद लेना। तो लूसेंट के लिए पीछे ना 5-6 पेजेस दे रखे हैं कंप्यूटर के, ये जरूर पढ़ना है। बेसिक पढ़ने के बाद ये फर्स्ट लूसेंट से ये पढ़ना, और फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की किरण की बुक करना, जो आपको आपके स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, ठीक है। और फिर लेकिन ना जो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप किरण की बुक से करोगे, इसमें हेड कांस्टेबल AWO TPO के जो 2022 में पेपर हुए थे वो नहीं है, बाकी तो है कांस्टेबल 2020 के और मिनिस्ट्रियल के 2022 के, लेकिन AWO TPO के नहीं है। तो आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से ना, जैसे मैंने दिखा रखी, मैंने हार्ड PDF निकाल ली थी अपने पेपर के जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने ये निकाल ली थी, तो आपको मैं जब उसका पढ़ रहा था शायद CGL का दिया था मैंने, तो आप ऐसे हार्ड PDF निकाल लेना, क्योंकि किरण से तो आप मिनिस्ट्रियल के कंप्लीट करोगे और कांस्टेबल के क्लियर कर कंप्लीट करोगे, तो AWO के आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से ऐसे हार्ड PDF निकालना, 5-6 पेज की है। और मैं इसकी जो फोटो है ना, ये अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में है, ठीक है। तो आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया इस आर्मी रिवॉल्यूशन से, बुक कर ली पहली, लूसेंट कर ली, और किरण कर ली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, और आर्मी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से हार्ड PDF निकाल ली, और मैं ये निकाल ली, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे इसका वो स्कैन करके डाल दूंगा, ठीक है। बेसिक हो गया, बुक हो गया, और ये हो गया। अब मेन आता है शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट कीज़। जो पहली लूसेंट आप पढ़ोगे, इसमें पीछे थोड़ी शॉर्टकट कीज़ दे रखी है पहली लूसेंट की, ये एक ये शॉर्टकट की होगी, और ये मैंने एक्सेल के एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ लगाई थी, एक्सेल की एक पेज की शॉर्टकट की ये रही, और वर्ड की एक पेज की शॉर्टकट की ये रही, और पावर पॉइंट की शॉर्टकट की इस छोटी लूसेंट में, ये मैंने छोटी लूसेंट पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको इसलिए ये रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि इसमें बहुत वास्ट दे रखा है, आपको चुन चुन के चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, और इतना टाइम आपके लिए है नहीं, तो स्मार्ट अप्रोच करना, ये वाली मत पढ़ना। इसमें जो वो है शॉर्टकट कीज़ है, इसकी शॉर्टकट कीज़ जो मैंने एक्सेल की फॉर्मूलाज बनाया है और वर्ड के जो शॉर्टकट कीज़ बनाए हैं उनकी फ़ोटो, और वॉल्यूम वन लूसेंट में जो शॉर्टकट कीज़ है इनकी फ़ोटो। तो मतलब एक एक्सेल, दूसरा वर्ड, तीसरा पावर पॉइंट, और चौथा
वॉल्यूम सॉरी लूसेंट की जो ये शॉर्टकट कीज़ है, ये मैं इनकी एक ही पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो बेसिक आपने आरबी रिवॉल्यूशन चैनल से करा, बुक के लिए आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल किरण और लूसेंट करी, और शॉर्टकट कीज़ के लिए मैं फ़ोटो डाल दूंगा या फिर जिस भी टीचर से आप पढ़ोगे वो शॉर्टकट कीज़ ज़रूर बताएंगे, वो पढ़ लेना। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ ना टेलीग्राम चैनल पर, ये ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट है। तो और ये फार्मूलाज़ भी है, जैसे साइन, नॉट, एब्स, पॉपुलर, ये जिस भी टीचर से आप पढ़ोगे वो पढ़ाएंगे। ये मैंने अलग से फार्मूलाज़ भी लिख रखे थे 3 पेज के, इसकी भी स्कैन पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बेसिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो कंप्यूटर ख़त्म, कच्चा चिट्ठा हो गया कंप्यूटर का, मैथ ख़त्म, रीजनिंग ख़त्म, कंप्यूटर ख़त्म। ठीक है, और वो मॉक्स लगा लेना कंप्यूटर में, टेलीग्राम वो मैं बता दूंगा मॉक्स कैसे लगाने कैसे नहीं, मैं टेक्स्ट बुक के मॉक्स यूज़ करता था, आप भी कर लेना। अब बच्चे जीके, जीके में बेसिक आपने जिस भी टीचर से कंप्लीट कर रखा है वो कर लेना, उसको अच्छे से रिवाइज करना। नहीं कर रखा तो मैं सजेस्ट करूँगा लूसेंट भी, लूसेंट करना, लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट करने का मेरा ये तरीका था, मैंने ना लूसेंट ये सारी फाड़ दी थी, सपोज़ ये मेरी इकोनॉमिक्स की है, ये मेरी इतना इतना पार्ट मेरा पॉलिटी का है, इतना पार्ट मेरा हिस्ट्री का है, इतना पार्ट मेरा जियोग्राफी का है। तो ऐसे फाड़ के करना कि आपको ऐसा ना लगे कि आपके पास इतनी मोटी बुक आपके सामने आपको पूरी रटनी है, आपने छोटे छोटे पार्ट्स में कर लेना। लाइब्रेरी जा रहे हो तो एक पार्ट लेके चला जाना, घर पे भी जा रहे हो तो कहीं भी एक छोटी सी है, भड़क भी नहीं लगती इसको पढ़ने में कि यार कितना क्या पढ़ रहे हैं, इतनी सारी मोटी बुक पढ़ रहे हैं। अपना फाड़ ली मैंने, अलग अलग सब्जेक्ट्स में फाड़ ली, जैसे कि इतना सा केमिस्ट्री है बस, अपना स्टेपल कर लो, टेप लगा लो, जो मर्जी कर लो। बेसिक के लिए आपने लूसेंट पढ़ लिया, बुक्स के लिए वही आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की किरण की, हिंदी में भी आती है इंग्लिश में भी आती है, जैसा सूटेबल हो वो देख लेना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की किरण की होगी। इसमें भी 2020 से 2020 के कांस्टेबल के करना और 2022 के मिनिस्ट्रियल और AWO के करना, इससे पहले वाले मत करना। और बाकी अब बच्चा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स जो इंग्लिश मीडियम के, मैं इंग्लिश मीडियम के हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा इंडोलोगस करना, नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंडोलोगस के मंथली करंट अफेयर्स करना अप्रैल से सितंबर की, इंडोलोगस के मंथली कर अप्रैल से सितंबर के 6 महीने के तो करने होते हैं, उससे पहले के करना हो कर लेना, डेली मत करना भाई, टाइम वेस्ट होता है और भड़क भी होती है। मंथली करंट अफेयर्स करना अपने। अब मैं इंग्लिश मीडियम के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इंडोलोगस वाले क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देते हैं, लेकिन जो ऑप्शन है ना वो सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश में देते हैं। तो अगर हिंदी मीडियम वालों को इससे कुछ इशू नहीं है, अगर आपको है कि आपको ऑप्शंस भी हिंदी में ही चाहिए, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि ये रोजगार विद अंकित करके यूट्यूब चैनल है, इसमें इनके मंथली करंट अफेयर्स डालते हैं, आप ये देख लेना, इसमें क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश में, ऑप्शन भी हिंदी इंग्लिश में है। लेकिन अगर आपको ऐसे सूटेबल है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंडोलोगस से ही करना फॉर श्योर है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले आपको अगर भड़क नहीं लगती कि ऑप्शन हिंदी में हो इंग्लिश में फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इंडोलोगस ही देखना। ठीक है, और पेपर से पहले 6 मंथ की कंपाइलेशन भी डालते हैं यूट्यूब पे, जो पेपर से 1-2 दिन पहले वो पूरी 6 मंथ की कंपाइलेशन भी देख लेना पेपर से पहले। अब ये आपको, आप कंप्लीट कर लोगे 6 मंथ के करंट अफेयर्स अप्रैल से सितंबर के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंडोलोगस या RWA से रोजगार विद अंकित से, और पेपर से पहले 6 मंथ की कंपाइलेशन भी देख लोगे आप। लेकिन इनके अलावा एक और चीज़ करनी है, जैसे अलग अलग आता है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई, अपॉइंटमेंट्स आ गए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज आ गई, ये इंडोलोगस वाले डालते हैं यूट्यूब चैनल पे, ये भी देखना 6 महीने के करंट अफेयर्स के अलावा। 6 महीने के मैं बोल रहा हूँ कि ये तो मस्ट है, 6 महीने से ज़्यादा करंट अफेयर्स करो तो वो आपकी मर्जी है, कर सकते हो। मैं पर्सनली 6 महीने के भी 6 महीने के करके ज़्यादा था, SSC वालों का पता नहीं है, साली 2018 के भी पूछ लेते, 23 के भी पूछ लेते हैं, हम तो कर नहीं सकते यार इतने। तो अपना 6 महीने के करके जाओ, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अपॉइंटमेंट्स ये करके जाओ, पेपर से पहले 6 महीने की कंपाइलेशन देख लो, बहुत है करंट अफेयर्स के लिए। तो जीके का सार ये बेसिक करनी है लूसेंट से, कहीं और टीचर से पढ़ रखे तो वो कर लेना, बुक से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल किरण, और करंट अफेयर्स के लिए इंडोलोगस या रोजगार विद अंकित। ठीक है, ठीक है। और मॉक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं पहले करता था, मैं टेक्स्ट बुक के मॉक यूज़ करता था। तो इसमें क्या है कि आपको ना इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि 1.5 घंटा देते हैं भाई, बहुत टाइम होता है 1.5 घंटा यार, बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जीके के, 10 कंप्यूटर के हैं, वो तो जल्दी जल्दी टिक हो जाते हैं, जिसको आता आता, नहीं आता नहीं आता। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मॉक आप पेपर से कुछ, मैं बोलूँगा लगभग 2 हफ्ते पहले से स्टार्ट करना है, इतना ज़्यादा इसमें नहीं है। लेकिन अगर किसी को है कि भाई चुल है ज़्यादा कि नहीं मेरे को तो मॉक लगाने हैं, तो भाई मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा प्रीवियस ईयर मॉक मत लगाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो कंप्लीट कर रहे हो क्वेश्चंस, तुम दिल्ली पुलिस
कॉन्स्टेबल की किरण की पीडीएफ से कर रहे हो, वो सॉरी बुक्स से कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर तुमने पहले ही कर लिया। अब तुम मॉक में भी वो प्रीवियस करो, प्रीवियस ईयर करोगे तो तुम्हें तुम्हारे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, तुम्हें लगेगा कि भाई तुम्हें पता नहीं कितना ही आता है, तो वो मत करना। अगर तुम्हें मॉक लगाना है तो फुल लेंथ मॉक लगाना, पेपर से पहले प्रीवियस ईयर लगाना, सबको बोल रहा हूँ, पेपर से दो हफ्ते पहले जब स्टार्ट करोगे तो प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर लेना, वरना जिसको ज़्यादा चुल है तो वो भाई अपना फुल लेंथ मॉक के लगाना टेस्ट बुक के, नहीं तो कोई और एक्स वाई जेड आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो टेस्ट मॉक के लिए तो कर लेना, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। और अगर आप बोलोगे तो मैं टाइम टेबल की वीडियो डाल दूंगा, टाइम टेबल इन अ सेंस कि आपको मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़नी है, जीके भी पढ़नी है, ये नहीं कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ो, आपको चारों सब्जेक्ट मैनेज करने हैं। और जीके में ये नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे मैंने बोला लूसेंट भी पढ़नी है, किरण भी पढ़नी है, तो एक दिन में दोनों चीज़ पढ़नी है, कंप्यूटर में बेसिक भी पढ़ना है, शॉर्टकट कीज़ भी पढ़नी है, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी है एक दिन में, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ना है। तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपके लिए क्या सूटेबल है टाइम टेबल। अगर आप मेरे को बोलोगे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन सारी चीज़ रोज़ पढ़ने की कोशिश करना मेरे भाई, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अब अगर आप ये बुक्स कहाँ से ख़रीदोगे, तो मैंने लाइब्रेरी में बात करी थी अपने दोस्तों से, उन्होंने तो अपने आसपास यहीं दुकानों से ही ख़रीदी थी, लेकिन एक दो बंदे थे जिन्होंने अमेज़न से मंगाई थी। अमेज़न पे ये आपको चारों बुक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, मैथ की भी, कंप्यूटर की भी, रीजनिंग की भी और जीके की भी 800 रुपये में पड़ रही है, मतलब 200 रुपये पर सब्जेक्ट। तो मैं तुम आपको ये फ़ोटो जो है आप इसकी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी कि 200, मैंने फिर गूगल पे उस पे अमेज़न पे देखा था तो 800 रुपये की पढ़ देख रही थी। वरना आपको अगर आसपास कहीं उससे देखे जाना है, दे वो जाना है, मतलब दुकान से ख़रीदनी है तो ख़रीद सकते हो, ऐसा कोई बड़ी उसमें नहीं है, लेकिन ज़रूर प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बेसिक के बाद प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़ना। और मॉक सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा लास्ट में ही देना, अगर ज़्यादा चूला है तो फुल लेंथ मॉक अभी दे देना, प्रीवियस ईयर मत देना। बस ये अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बता देना, मैं शॉर्ट्स के थ्रू बना दूंगा यार, मेरे को जितना मैंने कोशिश करी मैंने सारा कवर कर दिया है, बाकी कुछ होगा तो शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगा। वीडियो यार बनाने में थोड़ा हो जाता है, सर दर्द सा हो जाता है, ठीक है। अपना पढ़ो, बढ़िया दो, अपना बेस्ट दो, अगर ये फॉलो कर लोगे तो 101% सिलेक्शन होगा, लिख के देता हूँ।